नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक स्कॉलर शो। मैं हूं स्वाति राणा। सबसे पहले बात करते हैं बाजार के आज दिन की हलचल की। दो दिन की तेजी के बाद आज बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। अच्छे संकेतों के दम पर बाजार 2016 की नई ऊंचाई पर खुला था, लेकिन क्लोजिंग लाल निशान में हुई। निफ्टी के 30 शेयर लाल निशान में बंद हुए। ऊपरी स्तरों से निफ्टी करीब 50 अंक और सेंसेक्स करीब 180 अंक गिरकर बंद हुए। कुछ इंडेक्सेस की बात की जाए तो टेलीकॉम, रियल्टी और कैपिटल गुड शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव दिखा। वीएस सिक्योरिटीज के कपिल बाली का एक कहना है कि एनबीएफसी शेयरों के वैल्यूएशन अभी भी आकर्षक हैं, जिसमें आज अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। एक से दो साल में एनबीएफसी में अच्छे रिटर्न की उम्मीद जताई गई है। एनबीएफसी एज अ सेक्टर पिछले कुछ टाइम से अच्छे रडार में है सभी निवेशकों के। अभी इसमें जो इंटरेस्ट रेट कट का कंज्यूमर को पास ऑन, जिसको कहते हैं पास ऑन टू द कंज्यूमर, उसका बहुत ही अहम एक रहेगा। दूसरा ओवरऑल इकोनॉमी से रिलेटेड है, और जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है, दिस इज़ द फर्स्ट सेक्टर जिसको अच्छा महसूस करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा चल चुका है, लेकिन अभी भी अंडर वॉच रखना चाहिए, बहुत क्लोज वॉच रखना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आशीष अंदानी जुड़ गए हैं मार्केट पर और एनालिसिस के लिए। आशीष, आपका बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। हमने देखा कि बाजार में किस तरीके से अलग अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है, सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो क्या ट्रेंड दिखाई दे सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से सोमवार को जब बाजार खुलेंगे, बहुत सारे डाटाज हैं इस पूरे मंथ में, इस पूरे वीक में। मेरे ख्याल से अभी जैसे एक यूएस का नॉन फार्म पेरोल डाटा है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट्स डाउन है, डॉलर इंडेक्स डाउन है, मुझे लगता है शायद उसका इफेक्ट थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा। क्रूड का जो इम्पैक्ट आया कल ओपेक की मीटिंग में, कोई डिसीजन नहीं हुआ और क्रूड $50 से फिर से रिट्रेस करके नीचे आया है, तो कई सारे फैक्टर्स हैं। मुझे लगता है मार्केट अभी भी, आप अगर पिछले दो तीन दिन का ट्रेंड देखें तो मार्केट इज स्टिल इन एन अनडिसाइसिव मोड। मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग तो एटलीस्ट जब तक हम 8270 8280 के लेवल्स क्रॉस नहीं करते हैं या ट्यूजडे की मॉनिटरी पॉलिसी के पहले, मेरे ख्याल से यहाँ से फ्रेश लॉन्ग पोजिशन नहीं बनानी चाहिए। हाँ, जो अगर लॉन्ग है ऑलरेडी, वो चाहें तो पुट ले सकते हैं थोड़े से अपनी पोजिशन को हेज करने के लिए। तो आई विल बी मोर कॉशियस ऑन दी मार्केट्स ऑन मंडे, एंड आई विल बी सीइंग कि मार्केट्स क्या रिएक्ट करता है। जो आज यूएस में मेल्टडाउन हुआ है, अभी एज वी स्पीक यूएस मार्केट्स डाउन है क्योंकि डॉलर इंडेक्स डाउन है, तो आई विल बी वेरी कॉशियस ऑन दी मार्केट्स इन दी नेक्स्ट वीक गोइंग अहेड। और अगले हफ्ते में कुछ और दो फैक्टर्स भी हैं। आपने क्रेडिट पॉलिसी की बात की, फेड की बैठक आने वाले टाइम में होगी, साथ ही मॉनसून का अनुमान जताया गया है 7 तारीख तक आ जाएगा, वो भी एक फैक्टर है जो बाजार ध्यान में रखेगा अगले हफ्ते। देखिए, मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरी रैली आई है, मेरे ख्याल से 60-70% ये पूरी रैली मॉनसून के बेसिस पे ही, अगर मॉनसून टाइम पे नहीं आता है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा मार्केट्स के लिए। अभी भी हम शायद मंडे ट्यूजडे तक का डेट दिया है कि मॉनसून का अराइवल होगा, तो तब तक के लिए मार्केट वेट करेगा और कोइंसाइड करेगा उसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी। तो जैसे मैंने बताया, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको मार्केट देख रहा है। यूएस पे बहुत ज़्यादा नज़र है मार्केट की। मंडे को जब हमारे मार्केट्स क्लोज रहेंगे, तब यूएस की जो फेड हेड हैं जेनेट येलन, वो अपनी एक लास्ट स्पीच देगी बिफोर दी 14-15 मीट। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, और वही मार्केट पिछले दो तीन दिन से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मार्केट खुलता तो ऊपर है बट क्लोजिंग ऑलमोस्ट डे के लो के आसपास देता है। तो मेरे ख्याल से ये डाटाज बहुत ज़्यादा वॉच करने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर बैंक निफ्टी की रफ्तार आज निफ्टी से बिल्कुल अलग दिखाई दी। आपको लगता है कि अब बैंकिंग शेयर्स एक अलग रफ्तार पकड़ रहे हैं? देखिए, आप प्राइवेट बैंक्स की बात करें, एक्सिस बैंक ने आज बहुत अच्छी तेजी दी, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, उसी के साथ आप पीएसयू की बात करें, पीएसयू में हम दो तीन दिनों में एक स्पाइक देते हैं फिर एक करेक्शन देखते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में जो बैंक निफ्टी है उसका ट्रेंड अभी तो बुलिश ही है। मेरे ख्याल से जब तक 17,200 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ट्रेंड तो बुलिश है, क्योंकि एक मिक्स्ड पूरा रिएक्शन देख रहे हैं हम। प्राइवेट में अच्छी तेजी देख रहे हैं, पीएसयू में समय समय पे हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, तो मिक्स ट्रेंड है। 17,200 का मेरा एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो आई विल बी अ बिट कॉशियस, आई विल स्टार्ट वाइंडिंग ऑफ माय लॉन्ग इफ आई एम ऑन द लॉन्ग साइड इन द मार्केट्स। ऑलराइट।